हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके साथ एसएसआर नेवी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके का पेपर आता है, क्या पैटर्न्स होता है, उस पेपर का पैटर्न्स देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जान लें आपका जो ये पेपर आता है ये 1 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। 100 ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर 5 क्वेश्चंस इन्होंने रीडिंग कंप्रेंशन के दिए हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का इन्होंने रीडिंग कंप्रेंशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इन्होंने चूज़ द करेक्ट पंचुएशन, पंचुएशन का एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इन्होंने एक फ्रेज दी हुई है उसका मीनिंग आपको चुनना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक सिनोनिम्स दिया हुआ है, एक एंटोनिम्स। ठीक है, एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम्स दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने ये भी फ्रेज रिप्लेसमेंट दी हुई है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 पैसिव वॉइस दिए हुए हैं, एक्टिव पैसिव। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन फिक्स जो प्रपोजिशंस होते हैं, प्रपोजिशंस के दो तीन क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड भी चुनना है। इन फ्लड्स के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड हैं, नाउन से रिलेटेड हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड हैं, टेंस से रिलेटेड भी इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्लड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, ये आपका पैटर्न्स था एसएसआर की इंग्लिश। अब देखते हैं विज्ञान फिजिक्स का पैटर्न्स क्या रहता है इसके अंदर। ठीक है, फिजिक्स का पैटर्न्स वही इंटर लेवल का पैटर्न्स है, प्लांक की विमा, एक विमा से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर इसके बाद इन्होंने गति से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई टेनिस की बॉल को ऊपर सीधा उछाला जाता है तो ऊंचाई पर उसे पकड़ लिया जाता है, तो निम्न से अधिकतम ऊंचाई पर बॉल की गति को परिभाषित करो। ठीक है, ये एक लॉजिकल बेसिस पर क्वेश्चंस बना हुआ है कि भाई ऊपर त्वरण कितना होता है, नीचे कितना होता है त्वरण, फिर इसके बाद जड़त्व के फ्रेम में स्थिर वेग में घुमा होता है, वेग के बारे में इन्होंने क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 3 किलोग्राम के द्रव्य, कहने उतरा 3 किलोग्राम का द्रव्य दिया हुआ, हाइट दी हुई है, जमीन को छू लेता है तो उसकी गतिज ऊर्जा आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एम दे रखा है आपके पास, वी दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने एक मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है पृष्ठ तनाव, आपको पता है पृष्ठ तनाव का भी क्वेश्चंस है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। ठीक है, पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपके गैस के विशिष्ट ऊषांक, ऊष्मा के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चंस। फिर उन्होंने पिंड का तापमान, टेम्परेचर से विकरण, विकरण का जो मान होता है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक लोलक से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसके बाद इन्होंने तरंग से भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तरंग आपके इंटर लेवल की पूरी फिजिक्स, इसके बाद ये जो सेकंड फिजिक्स होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस पूछा हुआ कि गोले के केंद्र पर स्थित विभव कितना होता है, ठीक है, शून्य होता है, क्या होता है, विभव से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने विद्युत तरंग तंत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद इन्होंने एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये भी आपका सेकंड फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इन्होंने सर्किट से रिलेटेड पूछा हुआ है, फिर इन्होंने मैक्सवेल का जो सर्किट का जो नियम होता है वो पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक पौधे के हरे पत्ते लाल रोशनी में लगते हैं, कैसे कलर के लगते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने जो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड बोध का जो कॉन्सेप्ट होता है, बढ़ता है घटता है, वो उससे रिलेटेड अंतर पूछा हुआ। इसके बाद इन्होंने रेडियो एक्टिवता से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर इन्होंने आयम मेंडुलम तरंग से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद इन्होंने पानी की अस्थाई कठोरता किस चीज़ से दूर होती है, ठीक है, बायोलॉजी टाइप में क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर हाइड्रोजन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और ये भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि का प्रधान होता है। ठीक है, फिर ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है कि भौतिक परिवर्तन में से कौन सा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वाले हम मैथ सेक्शंस के अंदर की। मैथ सेक्शंस के अंदर इन्होंने ये जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे हुए हैं, ठीक है। ये आपका श्रेणी से रिलेटेड है, हरात्मक श्रेणी दे रखे हैं इसमें के मूल वास्तविक हैं क्या है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपकी श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने ये समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये भी अब मैं समीकरण ही बनाना है। और ये आपके बिंदु दे रखे हैं, मतलब एंगल्स निकाल के लाना है, ठीक है। सरल रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका परवलय से रिलेटेड क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल मैथ है आपका, एक नॉन टेक्निकल मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक्स की पावर एन का गुणांक पूछा है, इसको एक्स की पावर एन के रूप में विस्तारित करना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रायिकता से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा है। फिर इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है बहुलक हरात्मक इनमें से कौन सा है, ठीक है, क्या चीज़ है चरम पर्यवेक्षक क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वृत्त, वृत्त का एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर केंद्र हैं, ठीक है, केंद्र पूछे हैं। इसके बाद इन्होंने प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है वो लिमिट का, वेरी इजी। ये भी आपका क्वेश्चन किसके बराबर है, लिमिट का क्वेश्चन है, ये आपका परवलय से क्वेश्चन है, ये आपका 21वां इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका अव्यय सारणिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इजी, लिमिट किस प्रकार। इसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, सेक्शन डी जो सामान्य नॉलेज होती है। इसके अंदर रीजनिंग के दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले इनमें से फिगर को छांटना है कौन सा इसके इस आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नंबर सीरीज के दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तीसरा और चौथा। इसके बाद इन्होंने बुराने के संबंध से उसी प्रकार है जैसे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और सही वर्तन ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद एक आदमी एक औरत एक कमरे में बैठे हैं, आदमी की सास, और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके बाद मांद का संबंध किससे है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आउट को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने अब जीके के क्वेश्चंस पूछे हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से शहर में हाल ही में, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भीतर कर्ण का अभ्यारण, ये आपका अभ्यारण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। फिर ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 13वां, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंचकारण उत्तर पश्चिम गुजरात और कौन सी सीमा पर पड़ता है, पाकिस्तान की पर कौन सी सीमा पर। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपका हिस्ट्री से है 17वां और 16वां। 18वां जो क्वेश्चन है ये परम शौर्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ATM की फुल फॉर्म पूछी है। फिर इसके बाद ये 19वां भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ये आपका कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है, थाईलैंड बांग्लादेश, ये क्वेश्चंस आपका भूगोल से है। ये आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है। फिर एक 23वां जो क्वेश्चन है वो राजधानी से रिलेटेड है, और जो 24वां जो क्वेश्चन है वो नंदलाल बोस तह मेहता है, चित्रकार है, ये मनुष्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपका नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो की शेयरिंग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।